उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के चुनाव में महामंत्री पद पर विजयी हुए एसआई जेकब व अन्य पदाधिकारियों के अजमेर रेलवे स्टेशन आगमन पर कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। महामंत्री पद पर नियुक्त हुए जेकब ने बताया कि उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ की बोर्ड बैठक जयपुर में 5 और 6 तारीख को आयोजित की गई। इस बोर्ड बैठक में 6 अप्रैल को 103 पदों पर चुनाव भी आयोजित किए गए। इन चुनाव में विनोद मेहता को अध्यक्ष पद पर चुना गया तो वही एसआई जेकब को महामंत्री पद पर चुना गया है। 26,000 ने इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह हमेशा कर्मचारी हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार व प्रशासन के समक्ष खड़े दिखाई देंगे। जी, कल 6 तारीख को 5 और 6 तारीख का अप्रैल 5 और 6 तारीख को उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ का जनरल बॉडी बैठक था जयपुर में, जिसमें प्रस्तावित चुनाव था, इलेक्शन था 6 तारीख को। इस चुनाव में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की 26,000 सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाला 103 सदस्यों का जनरल बॉडी ने आदरणीय श्री विनोद मेहता जी को अध्यक्ष पद और मुझे एसआई जैकब को महामंत्री पद पर चुनकर एक हमारा साथ एक टीम को चुना है। मैं महामंत्री के तौर पर सभी कर्मचारियों को, सभी जनरल बॉडी सदस्यों को आभार व्यक्त करते हुए ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उत्तर पश्चिम रेलवे में कार्यरत सभी कर्मचारियों को, सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को हितों को ध्यान में रखते हुए यूपीआरएमएस का सभी कार्यकर्ता और सदस्यों का उत्तरदायित्व, उनका समस्याओं को निराकरण का उत्तरदायित्व निभाने के लिए पूरे ईमानदारी से और निष्ठा से आने वाला दिनों में काम करूंगा। मैं एसआई जैकब, महामंत्री उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर और जयपुर। जोनल स्तर पर चुनाव हुए थे यूपीआरएमएस के, उसमें हमारे अजमेर मंडल के निर्वाचन मंडल अध्यक्ष श्री एसआई जैकब सर को महामंत्री के पद पर चुना गया है। इन्होंने 65 मत प्राप्त किए हैं और ये वर्कशॉप के लोको ब्रांच के सेक्रेटरी भी हैं, डिवीजन में अध्यक्ष पद पर भी हैं, मंडल के पद पर भी हैं और अभी महासचिव चुना गया। वर्कशॉप यूनिट से पहली बार ये पोस्ट आई है। इसी तरह कैरिज वर्कशॉप में मुझे स्वयं को दीपक उपाध्याय, जो भी वर्तमान सचिव हूँ यूपीआरएमएस का, उन्हें 80 जन सेक्रेटरी बनाया गया है। अनिश वाजपेयी जी को एजीएस बनाया गया है। प्रदीप सिंह जी को, जो लोको शाखा के अध्यक्ष भी हैं, उनको सीलोबीसी मेंबर बनाया गया है। इस तरह पूरी कार्य का गठन हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि हमें वर्कशॉप यूनिट को इतनी बड़े पद मिले हुए हैं और मजदूर संघ के प्रति हमारा समर्पण सेवा हमेशा रहेगा। धन्यवाद।